Hey guys, what's up and welcome back to Go Guzzle Gone. And guess where I am right now? जी हाँ, मैं यहाँ पे पहले भी आ चुकी हूँ, लेकिन जब भी आओ तो अलग लेवल की एक्साइटमेंट होती है. तो मैं हूँ कॉपेनहेगन डेनमार्क में. ओके, फालतू फालतू की म्यूजिक थी. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जितनी मैं एक्साइटेड और एनर्जेटिक साउंड करने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी लंका लगी हुई है. लाइक लिटरली आई एम सो एग्जॉस्टेड बिकॉज आई ओनली स्लेप्ट फॉर 1.5 आवर बिफोर द फ्लाइट एंड आई सम हाउ ऑपरेटेड इट एंड आई एम हियर. और मुझे एक्चुअली नहीं पता कि हम क्या करने वाले हैं. मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है फ्लाइट पे, तो हम जस्ट शायद पूरा ऐसे इंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि पता नहीं हम कितने सदियों के बाद, ऐसे बलून जैसा लग रहा है ना, कहीं बाहर शायद जाएंगे, विसिनिटी में रहेंगे. जस्ट स्टे विथ मी एंड यू नो, एज ऑलवेज कोई प्लान नहीं होता है. आई मीन इट्स लाइक नो प्लान इज अ बेस्ट प्लान, राइट? सो जस्ट कम विथ मी. फाइनली शी इज हियर. So finally we are leaving, guys. हमें कुछ नहीं पता कि what we gonna do. By the way, introduce yourself. I am Tenzin Norzin. And she is from Manali. Beautiful. I'm telling you. इसने मेरे को बोला मनाली से. मैंने कहा बस काम खत्म, मतलब तुम साथ रहो, नशा अपने आप हो जाएगा. पहले तो शक्ल तो दिखा दो एक बार, हल्का सा मास्क निकाल के. एक्चुअली यहाँ पे कोई भी मास्क नहीं पहना हुआ है, लिटरली बेमैन. और पता है, हम लोग यही सोच रहे थे कि करना क्या है, तो हमें बस बताया गया है कि यहाँ पे वैक्सीनेशन कार्ड बहुत ज़रूरी है. लाइक इफ यू वांट टू डाइन समवेयर और कुछ भी, मतलब बैठ के खाने वाने के लिए, इधर वैक्सीनेशन और कौन सा कार्ड बोल रहे थे, पीसीआर का नेगेटिव. हाँ, तो ये चीज़ें. और हमारे पास पीसीआर तो ऑब्वियसली नहीं है, तो नीचे का रास्ता है ना. Okay. Yeah. So yeah, we are vaccinated. So the plan is no plan, like I said. So let's see. हमें उसी में खुशी हो रही है कि हम वॉक कर रहे हैं. Let's take a walk first and then we come and chill. What do you think? Yeah, I think that's because this great. Because अभी यहाँ पे अंधेरा हो जाता है. यूरोप का तो प्रॉब्लम ही है. True. और उल्टा लंदन में पता है क्या हुआ? लंदन में I was like making vlog also. They know it. I said in the vlog also कि 9:30 बज गए हैं और मैं रात के ऊबर का खाना ऑर्डर कर रही हूँ और बाहर सूरज निकला हुआ है. No way. तो मैंने कहा लोग कहेंगे भाई झूठ बोलती है, क्योंकि दोपहर में पहुंच के कहती झूठ बोल रही है. एंड यहाँ पे देखो इतना ग्लूमी हो रहा है, इट फील्स लाइक कि कभी भी लाइक यू नो इट्स गोना ड्रॉप. लिटरली शिट यार, हम ऐसे चीते बन के, मतलब लिटरली. या सो पता है, जस्ट लुक एट योर सेल्फ बेब, ऐसा लग रहा है हम किसी पोर्ट्रेट में वॉक कर रहे हैं. सी लाइक इट्स सो ब्यूटीफुल. आई वांट टू टेक अ बोट राइड. एक्चुअली क्या है ये, पोर्ट एरिया है ना पूरा? पोर्ट एरिया, इट्स लाइक अ प्रॉपर पोर्ट एरिया. प्रीटी, पढ़ा क्या लिखा था? बी योर ओन कैप्टन, सो यू हैव टू सेल योर ओन बोट, विच इज very I know, but right now no because मैंने बताया already कि हमारी हालत कितनी खराब है. हम किस तरीके से नींद को तोड़ के, you know, प्रकृति के विरुद्ध जाके, we are just enjoying and look at these buggers, they're having time of their life, they're jumping, diving from the pool and everything, they're having fun. हम ही बेवकूफ है भाई, हम ही लोग बेवकूफ हैं, बस काम कर रहे हैं हम लोग लाइफ में. They're having fun, man. I so envy them. तो मैं और टेंशन अभी हम ना यहाँ पे फोटो थंबनेल ले रहे थे. Where's my mask? Don't scare the hell out of me. Are you serious? I'm sorry, I don't know. Wait. I it's have mine. It's here. You gave me mini heart attack, man. इसको मास्क नहीं मिल रहा अभी. तो हम लोग अभी बहुत मेहनत से यहाँ पे थंबनेल खींचे हैं. फिर हमें बैठने का मन कर गया, पीछे देखो इतना सुंदर ग्रास है. तो वी जस्ट वांट टू टेक सम कॉफी ताकि हम चिल कर सकें. स्मॉल वाला ले रहे हैं.
ठीक है, लेट मी पे फॉर इट ना, बाद में। अरे बाद में आप यार घी बनो, आराम आराम से रिकॉर्ड। तेरी कर्टसी, तेरी मॉडेस्टी रिकॉर्ड हो रही है। बट हाउ हाउ कैन आई पे यू बैक, मे बी वेन वी ईट नाउ। यस और मे बी आई विल वर्क ऑन योर बिहाफ टुमॉरो। ओके फाइनली हमारी कॉफ़ी इतनी सुंदर लग रही है, इसे पीने का मन नहीं कर रहा है, इतनी प्यारी सी लग रही है। एंड कप का कलर इज लाइक सो मजेंडा, चटाका कलर है, सो प्रिटी। आई नो, सो वी जस्ट गोना चिल, लाइक यू नो, अपना थोड़ा वेंट आउट करेंगे, डिटॉक्स करेंगे एंड कॉफ़ी विद गज़ल करेंगे। क्यों कॉफ़ी हमारी ख़त्म हो चुकी है, सॉरी मैंने उल्टे हाथ में ट्राईपॉड पकड़ लिया है। एंड अचानक से यहाँ बारिश हो रही है इतने ज़्यादा, तो हम पंचायत ख़त्म नहीं हुई है, बस कॉफ़ी ख़त्म हुई है हमारी। सो वी जस्ट गोना गो टू द रेस्टोरेंट एंड चिल फॉर सम टाइम। ये वाले में ये खुला भी है सारा, इट लुक्स लाइक सो एम्प्टी मैन। हाँ इट्स ओपन, इट्स ओपन। लुक एट द वाइन ग्लासेस अरेंजमेंट गाइस, लुक एट दिस वाइन, इतना फैंसी लग रहा है ना देखने में। I don't know, last time when we came out and we saw all this European setting happening in here, ऐसा लगता है पिछले प्राचीन काल में है ना, प्राचीन काल में हम बाहर आया करते थे। ओके रुकावट के लिए खेद है, बट ऐसा हुआ है कि हम लोग यहाँ पे भी गए थे एंड इट्स ओनली अ बियर बार, तो हमें ना कुछ मंच करने के लिए भी चाहिए। सो वी डिसाइडेड वी वाई नॉट टू टेक अ वॉक फर्स्ट एंड एक्सप्लोर द सिटी अराउंड। क्या पता कुछ शॉपिंग का थोड़ा लालच आ रहा है, लालच आ रही है, मतलब ऐसे थोड़ा सा बस सलाइवा जैसे टपकने वाला है बस, तो एक बार देख कर आते हैं ज़रा क्या है क्या नहीं है। बट पीपल आर वेरी नाइस हियर, आई वाज सो नाइस ना, लाइक सुपर सुपर स्वीट पीपल एंड आल्सो वेरी गुड लुकिंग बाय द वे, यस फॉर योर इन्फॉर्मेशन। यस इसको बोलो ना हमें झूले पे जाना है यार, ये कि चलेगा थोड़ा सा। गाइस हम बहुत शेडी सी जगह पे हैं, बट डोंट वरी वी आर इन अ वेरी नाइस प्लेस एंड दिस वन इज वेरी एक्साइटेड। अरे यू केप्ट योर मास्क ना बाबा, मुंह पे ही लगाया हुआ, सबने निकाला हुआ है। तो ये प्लेस बहुत ही गजब तरीके की शानदार है, मैं आपको दिखाती हूँ। वेट तो ये बैठते ना यहाँ पे। Finally, we have decided to sit out on the street. क्या हुआ? मेरे को पता क्या याद आ रहा है? Friends की Rachel Green. She used to serve like this, एकदम इसी तरीके के dress में. Hi, sir. You can say hi. So yeah, we're just sitting at this place. Okay, thank you for pronouncing it for me. And we're just gonna sit on the street because अंदर अच्छा है, but we wanna be like enlightened people ना, तो ऐसे बाहर अच्छा लगता है. So we're just gonna chill here. I think this is not for us. I can take that. Although yeah, you're already like drooling over it. So this girl, this pretty girl, you saw. She actually looks like Rachel Green from Friends. So I just actually showed her the picture. I mean, I showed Jennifer Aniston's picture from Coffee Shop Central Perk, and I showed it to her. And I told her, "You actually look like her." She's like, "No." I'm like, "Yes, you do." बहुत प्यारी है वो, शी इज़ वेरी प्रिटी एक्चुअली, शी रिमाइंड्स मी ऑफ हर, सी शी इज़ लाइक राइट बिहाइंड मी, सेम वाइब है, लिटरली सेम वाइब है यहाँ पे। तो अभी हम फटाफट से सुसु करके आते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। फाइनली वी आर आउट ऑफ दैट प्लेस, हमने बहुत ज़्यादा बातें करी हैं, वी हैव वेंटेड इट आउट लाइक देयर वाज नो टुमारो, हर चीज़ की वजह स्पिरिचुअलिटी से। सॉरी आई वाज अबाउट टू बैंग द साइकिल, बट व्हाट अ वर्थलेस डेथ इट कुड हैव बीन, साइकिल से लड़के मर गई, बताओ जरा। यार मेला लगा है क्या, मतलब सारे इतने बिना मास्क के घूम रहे हैं। आई थिंक द कंट्री इज वैक्सीनेटेड, आई थिंक दैट्स व्हाई दे हैव मेड इट लाइक इफ यू हैव अ वैक्सीन सर्टिफिकेट प्लीज यू आर जस्ट कम। वेल वी केम एज वेल, वी हैव द वैक्सीन सर्टिफिकेट, व्हाटएवर। सारी दुकानें एज यूजुअल बंद हो रही है यूरोप में, 8 बजने को आ रहे हैं हम न्यूयॉर्कर के अंदर जा रहे हैं, जस्ट टू ट्राई आवर लक इफ वी फाइंड समथिंग। और हमने मास्क पहन लिया है बिकॉज हमारी फट रही है, तो हमने पहन लिया है।
हम न्यूयॉर्कर में ऐसे घुसे और यू टर्न लेके वापस, मतलब क्या है यार। वहाँ जो मेरे पीछे आपको ग्रुप दिख रहा है, शायद कुछ कांड हुआ होगा, ब्रेकअप वेकअप टाइप्स। बहुत ज़्यादा रो रहा है बेचारा, उसके दोस्त उसको तसल्ली दे रहे हैं। बुरा तो लग रहा है बट कुछ कर नहीं सकते खास। मूव ऑन मैन, जस्ट मूव ऑन, इट्स ओके। That, एक अबनॉर्मल इंसान को नॉर्मल की शॉप दिखी है और अब दो अबनॉर्मल इंसान हम नॉर्मल की शॉप में जाएंगे कुछ अबनॉर्मलाइज करने। लेट्स सी क्या है यार, कुछ बढ़िया है मिल जाए, मेकअप वेकअप टाइप्स। लेट्स चेक इट आउट। यहाँ पे इतनी सारी काम की चीज़ें हैं कि हम पगला जा रहे हैं कि क्या ले और क्या ना ले, और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं उठाया। लाइक लिटरली ऐसा लग रहा है सबकी ज़रूरत भी है, और ये भी लग रहा है सबकी ज़रूरत नहीं भी है। क्या किया जाए भाई, और देखते हैं थोड़ा क्या क्या। और मैंने अभी कुछ फेस मास्क उठाए हैं अपने लिए, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। जैसे अभी अगर देखो फुट मास्क, ये मास्क, वो मास्क, मैंने लिटरली बम मास्क देखा है, बट मास्क। वेट, मैं आपको दिखाती हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे। आई नेवर थॉट, वेट, where I never thought anything like this ever existed until I saw it by myself. I can't stop laughing. मेरे को बिलीव नहीं हुआ, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा इतना एक बार एक चीज दिखा दो तुझे। बट मास देखने के बाद कहती हूँ ऊपर देखो वो मास भी है। ये पागल ही हो रही है तब से हंस हंस के। ओह गॉडनेस, हम भैया फेस नहीं सुधार पा रहे, बट क्या सुधारेंगे। मैं आपको जन्नत दिखाऊं, जन्नत, वेट, ये देखो मेकअप सेक्शन, जन्नत के दर्शन करो। और अब यहाँ पे साक्षात देवी जी पधारने वाली हैं सारा कुछ चेक करने के लिए। यार मेकअप कपड़े एक नहीं होते मेरे पास, मेकअप बतेरा। आओ भाई, कुछ ले रही हो क्या तुम? परफ्यूम देख रहे हैं। इफ यू कांट स्मेल इट यू नो व्हाट यू हैव, राइट? ये हमने कहाँ स्मेल किया? स्मेल तो करो, ये हमने कहीं स्मेल करी है? अपनी फ्लाइट में है क्या? अपनी फ्लाइट में कौन सा है? वो सौंधी सौंधी सी स्मेल है। हाँ मैंने कहीं स्मेल करी है चीज़। आई डोंट नो, इट्स लाइक गिविंग मी देजा वो। नहीं, दिप्ती कैसे? हाँ मैं पहले यहाँ पर सारे ब्लश ऑन्स देख रही थी तो मुझे लगा कि मेरे पास ये वाला शेड नहीं है, तो मुझे रियलाइज हुआ इंस्टाग्राम पर तो मुझे कोई फॉलो करते ही नहीं है, है ना? मत करो फॉलो, ठीक है, कोई बात नहीं, मत करो फॉलो, मैं नहीं लूँगी मेकअप, बाय बाय। मेकअप तो मैं अपने लिए करती हूँ, तो मैं ये सोच रही हूँ ले लूँ, रिवोल्यूशन का है, बहुत ही बढ़िया सा मेकअप कॉन्टूर। और मेरा कॉन्टूर इन लोगों ने शादी में गिरा के तोड़ दिया है, मेरी बहनों ने। द क्रेडिट गोज़ टू श्रेया एंड ईशा, येस द स्पेशल मैंशन। सो मैं सोच रही हूँ ये ले लेती हूँ, और बाकी तो सब है, बुरा नहीं मानो, फॉलो कर लो यार इंस्टा पे, क्या दिक्कत है? मतलब क्या जा रहा है आपका भाई? मैं खुश हो जा रही हूँ, लड़की आपकी खुश हो जाती है, दैट्स इट। इफ यू आर अ ट्रू इंडियन, मुझे बताओ रेक्सोना की टैगलाइन क्या है, जल्दी बताओ। हर पल साथ नहीं भाई। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, हमने कोई पैसे नहीं लिया, कुछ नहीं हुआ है, हम बस बकैती कर रहे हैं। पॉइंट्स की क्या है, पॉइंट्स की, जल्दी नहीं याद आ रहा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे गूगली वूगली वूश, ऐसे करके गूगली वूगली वूश, टनन नन 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 गूगली वूगली वूश। टेंशन दो, इस मरी हुई नमक से हम अपनी आत्मा को चिपकाएंगे, संतोष प्राप्त होगा तुम्हें, एकदम प्रॉपर कलयुगी चीज। पहले बट पैक, उसके बाद बट ट्रेनर, मतलब आपको जिम में जाने की जरूरत नहीं, बस उसको लगाओ।
ऑन पहले ये लगा लो उसके बाद वो पैक लगा लेना बट पैक एकदम सॉर्टेड योर एस इज ऑल सेट टू गो. और चेहरे का तो देखो अभी कोई वैल्यू नहीं है ना, बस सब कवर ही रहना है तो जो दिखता है उसी को थोड़ा एनहांस करते हैं, जो दिखता है वो बिकेगा फिर आगे जाके. परफेक्ट है, पहले वो लगाओ फिर वो लगाओ, सॉर्टेड बिल्कुल ही. आई स्वेयर मैंने इतनी सारी चीज़ ले ली है कि मुझे स्वेयर है सनी मेरे को घर के अंदर घुसने नहीं देगा. वो बात अलग है कि मुझे अभी हफ्ते भर मिलने नहीं वाला है वो, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो वेरी बिजी. बट जब वो आएगा घर पे देखेगा तो नई नई चीज़ें शॉपिंग हुई है, बट टाइम की शॉपिंग हुई है आज. फाइनली मैं आपको ये बता दूं कि मेरा बर्थडे आने वाला है, तो मैंने बर्थडे के लिए बहुत दिन से सोचा था मैं चश्मा लूँगी. फाइनली मैंने चश्मा ले लिया है और ये कंप्यूटर ग्लासेस हैं, तो इट लुक्स वेरी कूल. आई लुक सो गीकी एंड नर्डी विच आई एम नॉट एक्चुअली, बट या इट लुक्स नाइस. ये देखो इस टैग के साथ भी अच्छा लग. I know you look really cute actually. It's cute. You really look. It really suits you. Thank you. Editing में भी काम आएगा मुझे बताइए. Yes. हमें शॉपिंग नहीं करनी थी. अच्छा लग रहा है ना? I know. Oh, this is so cute. I look like अभी अभी जैसे मैंने देखा है कौन है अनजानी. और हमें शॉपिंग नहीं करनी थी तो उसके बाद ही हाल है. कहीं करनी होती तो शायद हम पूरे डेनमार्क ही लेकर आ रहे होते अपने साथ. लोगों ने नॉर्मल जगह से शॉपिंग करी है. एग्जैक्टली. दो अब नॉर्मल लोगों ने नॉर्मल जगहों से. सो द न्यू नॉर्मल इज अब नॉर्मल. तो हम लोगों ने फाइनली अभी 7-Eleven से भी कुछ खाने का सामान ले लिया है. एंड व्हाइल वी वर गोइंग बैक ये लोग कैंडल वैंडल कुछ तो लगा रहे हैं. आई हैव अ फीलिंग कुछ तो या तो प्रोटेस्ट टाइप से. सर व्हाट आर वी डूइंग? सर वी आर लाइटिंग द कैंडल्स फॉर दिस इज फॉर फ्री म्यांमार. इफ यू कैन रीड फ्रॉम देयर. ओके. फ्री म्यांमार इट्स लाइक military take power in Myanmar. Okay. So we don't like that kind of it's like a protest you're doing. To military. Okay. And rent free Burma. Oh nice. You're from Myanmar? Yeah, I'm from Myanmar. I'm from India. Really? Yes. Yeah, our neighbor country. Yes. It's nice. It looks beautiful, but guessed it that it's like a protest or something is going on. Yeah. I wish you all the best. Thank you so much. Bye. Bye. I got to know why is it happening. I spoke to him. So some collaboration which apparently Myanmar people who are highly populated in here do not like it. So they are protesting that it should not happen. So that guy himself from Myanmar and I told him I'm from India, so he's like, oh, you're my neighbor country. I'm like, yes. So yeah. See vlogger attitude. Are you seeing? अब subscribe कर दो फटाफट से. जा जाके मैं सबसे बातें करती हूँ ऐसे पगली की तरह. मेरा मुंह ही देखता रह गया. ड्रीम वॉक देखो कितने सुंदर फ्लावर्स हैं. एक्चुअली ये चश्मा बहुत सेक्सी लग रहा है बेब. बहुत ज्यादा थैंक यू फॉर गेटिंग इट फॉर मी. लाइक यू टोल्ड मी एंड यू मैनिपुलेटेड एंड कन्विंस्ड मी. एंड लुक एट दिस ब्यूटिफुल वे. इट्स सो प्रिटी. I think this is the right time to end the vlog. I hope आपको नॉर्जन बहुत अच्छी लगी होगी और आपको हमारा vlog भी अच्छा लगा होगा. And in case she's from Manali and she also owns a business in Manali. अगर अभी कभी भी आपको कोई booking करनी है कुछ भी करनी है आप मेरे इस video पे comment करना और हम एक बहुत अच्छे rate में आपको एक अच्छा सा cottage Manali में provide कराएंगे. And of course she is a well-flourished owner of that. So please message me on this YouTube comment if you're looking forward for that so that I can get in touch with her and I can get things done for you. And it's time to end the vlog. I hope you did enjoy this video. If you did enjoy it, don't forget to like, comment, share and subscribe. That would really help us. Lots of love to you from me, from her. Ciao, hasta la vista. Go guzzle gone. What is the name of this flower? I like actually don't know the name of this flower, but in school days we should call this flower an I love you flower. And the reason because it has 8 petals in it. Okay. So I love you also 8 alphabets. I L O V E Y O U. Listen, why didn't we have this in Lucknow? It would have been much easier.